टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज चैनल की ये क्लिप पिछले कुछ वक्त से वायरल है। हरियाणा से एक कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेन हुड्डा का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आरक्षण के विषय में राहुल जी ने सच बोला है, पंडित नेहरू ने भी किया था आरक्षण का विरोध, समय आ गया है पिछड़ा और दलित समाज आरक्षण से आगे की सोचे। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान के समर्थन में उतरे हुड्डा। राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था, सत्ता में आए तो खत्म कर देंगे आरक्षण। राहुल गांधी और हुड्डा के बयान के ये बड़े सियासी मायने हैं। कांग्रेस के दलित नेताओं में खलबली। दावा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने आरक्षण के विरोध में बयान दिया। कई एक्स यूजर्स ने ये क्लिप ट्वीट की और दावा किया कि भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आरक्षण खत्म करने की बात की। हालांकि इस वायरल क्लिप के बारे में तफ्तीश करने पर सामने आया कि मूल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। माहौल आप देख रहे हैं और क्या संदेश लोगों को? आप हम देख रहे हैं कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। आपको लगता है सर अग्निवीर का मुद्दा काफी उड़ा साहब सर अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा यहाँ पर हरियाणा में आपको लगता है कि प्रभावशाली रहा? सारे ही मुद्दे हैं भाई, हम अपने उसमें इलेक्शन कैंपेन में बता चुके, अब कैंपेन जो बंद हो चुका है। पिछली बार लग रहे इस बार कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत ने भी इस बारे में क्लेरिफिकेशन ट्वीट किया है, यानी टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटेड रिपोर्ट कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के आरक्षण के विरोध में बयान देने के गलत दावे के साथ शेयर की गई।